सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के V40 डिवाइस के अंदर अपने फोन के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग फाइल्स को कैसे देखेंगे। गाइस, अगर आपने नंबर्स को जो आप नंबर डायल करते हैं, अगर किसी पर्सन की कॉल को आपने रिकॉर्ड करा और रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, तो बहुत ही इजी प्रोसेस है। हालांकि अभी तो पता हो गया है सबको ऑलमोस्ट की रिकॉर्डिंग कहाँ से होती है, बट कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजिंग है कि हमारी पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग्स कहाँ जाती है। सबसे पहले तो जिनको नहीं पता कि नई कहाँ जाती है, जैसे कि मैंने एक नंबर डायल करा हुआ है कंप्लेंट्स नाम से, इसको एक बार प्रेस करेंगे तो जो हमने रिसेंटली कॉल रिकॉर्डिंग करी हुई है वो यहाँ दिख जाती है। इसको प्ले करने का ऑप्शन भी यहीं साथ पे मिल जाता है, और अगर आप चाहें तो स्पीकर मोड पे यहाँ एरो पे क्लिक करके डाल सकते हैं, स्पीकर मोड, फोन मोड, और साथ में शेयर बटन है और डिलीट बटन भी साथ ही मिलता है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग करी हुई है उसको देखने के लिए हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर जाना है। जितनी बार हमने इस नंबर को डायल करा होगा उतनी बार दिख जाएगा, रिकॉर्डिंग्स भी आपको दिख जाएगी। देखो 17 अक्टूबर की ये रिकॉर्डिंग है टॉप वाली। लिस्टन टू रिकॉर्डिंग पर जाएंगे एंड प्ले करने का सेम प्रोसीजर है, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं किसी के साथ। कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है, तो ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ 3 डॉट पर जाएंगे, सेटिंग्स पर क्लिक करना है, कॉल रिकॉर्डिंग्स पर क्लिक कर लेना है इस तरीके से मैं जैसे कर रहा हूँ, एंड डिलीट रिकॉर्डिंग्स के ऑप्शन होगा। देखेंगे आप नेवर ऑप्शन सेलेक्ट है, बिकॉज अगर आपका डेज वाला कोई ऑप्शन सेलेक्टेड है तो उतने डेज में ऑटोमेटिक ये रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाती है। ऐसे केस में आपको नेवर ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिससे आपकी जो कॉल रिकॉर्डिंग्स है वो आपके फ़ोन से डिलीट ना हो।